हरिओम। स्वप्न में भी प्रेरणा देकर संभालते। श्री मनोज उपाध्याय जी अपने जीवन में घटित एक दिव्य प्रसंग बताते हुए कहते हैं, 2014 में मुझे श्वास की तकलीफ हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि आपको ब्रोंकाइटिस श्वसनी शोथ हो गया है, आपको इन्हेलर साथ में रखना पड़ेगा, इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है, यह बीमारी आगे चलकर दमे का रूप ले लेगी। मैंने 8-9 महीने लगातार दवाइयां ली, लेकिन स्थायी लाभ नहीं हो पा रहा था। मौसम बदलता तो तकलीफ और भी बढ़ जाती थी, मैं बहुत परेशान रहता था। एक बार पूज्य बापूजी के सत्संग में आया कि कंठ कूप में सदगुरु या भगवान का 3-4 मिनट के लिए ध्यान करते करते सो जाया करो, तो 3 महीने के अंदर सपने में सदगुरु के भगवान के दर्शन होंगे, वार्तालाप भी होगा। मैंने गुरुदेव के बताए अनुसार अभ्यास शुरू किया और चौथे दिन ही पूज्य बापूजी सपने में आए और मुस्कुराते हुए बोले, सब दवाइयाँ कचरे के डिब्बे में डाल दे, आज से पानी प्रयोग चालू कर दे, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, बापूजी दवाई लेने में थोड़ी भी देर होती है तो सांस फूलने लगती है, अंत दवाई लेनी ही पड़ती है। अरे अब ये दवा तेरे काम की नहीं है, तुम लोगों को प्राणायाम बताया किंतु तुम करते ही नहीं हो, प्राणायाम से तो दमे का दम निकल जाता है, तेरी तो श्वास की साधारण सी तकलीफ है, डॉक्टरों को क्या पता, त्रिबंध करके स्वगर्भ प्राणायाम शुरू कर देना, प्राणायाम करते रहना, छोड़ना मत, फिर देख तेरा स्वास्थ्य कैसे चमकता है। इतने में मेरी नींद खुल गई, देखा तो सुबह के 4:30 बजे थे। उसी दिन से मैंने पानी प्रयोग करना चालू कर दिया। मात्र 15 दिनों के बाद 40 सेकंड तक श्वास रोककर प्राणायाम करने लगा, जबकि पहले मैं 10 सेकंड की श्वास भी नहीं रोक पाता था। आज 6 साल हो गए गुरु कृपा से, मेरा स्वास्थ्य एकदम बढ़िया है। हरिओम। तेरा दर तो प्यारे जी, तेरा दर तो ओ प्यारे जी, हम सबका सहारा है। तेरा दर तो प्यारे जी, ओ तेरा दर।